गाइस वेलकम टू माय चैनल एबीरॉक सिम। नॉर्वेजियन लीग का मैच हो रहा है बीडीओ वर्सेस एसबीजी के बीच 2 घंटे 11 मिनट के बाद। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। चलते हैं आगे, बात करें अगर हम इस मैच की तो भाई साहब बीडीओ और एसबीजी अपने पिछले मैच बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं। तो अब ओपन टीम की बात करें तो भाई देखते हैं यार, आप लोग तो मैसेज कर करके भाई मेरी पूरी वही भर दी है चैट लिस्ट। तो मैं आपको बता तो रहा हूँ वीडियो में कि मैं ओपन दूंगा, देखते हैं भाई वुमेन यूरो का कौन सा मैच देता हूँ, घबराते क्यों। ठीक है, तो बात करें इस मैच की तो बीडीओ और एसबीजी में, पहली बात तो एसबीजी टीम मुझे लग रहा है कि यहाँ पर लॉस कर सकती है, मतलब यहाँ पे एसबीजी टीम शायद हार सकती है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत फेवर एसबीजी को भी करेंगे एंड 70% फेवर बीडीओ को करेंगे। सबसे पहले बात करें गोलकीपर की, देयर वाज अ वन प्लेयर सिमन निल्सन जिसने पिछले मैच में 5 गोल सेव किए थे एंड सिंगल गोल कंसीडेड कराया था। ऑलमोस्ट 85-80% बेस्ट रेशियो था इसका गोल रोकने का, जो कि बहुत सही है, बहुत सही एक मैच का रेशियो। एंड आगे से अगर बात करें यहाँ पर डिफेंडर्स में सैमस्टेड सुना तो था, बहुत बढ़िया प्लेयर है। एक्चुअली मैंने प्लेइंग भी देखी, प्लेइंग भी अच्छी है वो बात ही, लेकिन जो मैंने सुना था ना कि ये प्लेयर ये कर देता है, वो आई थिंक वो मेरे को अभी इन 2 मैचेस में देखने को कुछ नहीं मिला। एक 18 जून को मैच हुआ था, एक 18 जून के बाद एक मैच हुआ था जो ऐड नहीं हुआ था, उस मैच में भी खास प्रदर्शन नहीं रहा था। और एक 2 जुलाई को मैच हुआ था और एक आज मैच है, तो पता चलेगा कि सैमस्टेड क्या करता है, कंसिस्टेंसी में कैसा प्रदर्शन करता है, ये आज पता चलेगा। मैं तो चाहता हूँ अच्छा करें। एंड आगे से अगर बात करें हॉलब्रेटन की, देन आपको पता है हॉलब्रेटन अंदर से तो 4th डिफेंडर है, भले ये सेकंड डिफेंडिंग में डालें, अंदर से तो आप जानते ही हो। एंड बी मोए की बात करें, यहाँ पर ब्रेडेमोए इनका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्लेयर है, इस सीज़न एक गोल भी शायद कर चुका है, मेरे को याद नहीं है लेकिन कर चुका है, इतना थोड़ा बहुत याद आ रहा है। ठीक है, बाकी बढ़िया रिकॉर्ड है इस प्लेयर का, रिकॉर्ड में कोई कमी नहीं है। आगे से बात करें बी उटविक की, देन अभी आप बिजॉन उटविक को ले लीजिए, हो सकता है कि मैं कुछ चेंजेस करूँ, अगर मैं चेंज करता हूँ तो शायद मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन अगर चेंज नहीं करता तो मैं कुछ भी नहीं मैसेज करूँगा। बात करें यहाँ पर सेलेट्रोस की, देन यहाँ पर है एंटन सेलेट्रोस, लोग इसे अपना कैप्टन वाइस कैप्टन रख रहे हैं, जिस बंदे को कई लोगों ने पिछले मैच में टीम तक में नहीं ले रखा था और आज कैप्टन वाइस कैप्टन रखने हैं, क्यों, इसके पीछे का रीज़न पता है? इसके पीछे का रीज़न है असल में कि इसने पिछले मैच में कर दिए थे 2 गोल। अब 2 गोल कर दिए तो लोगों को लग रहा है आज भी 2-3 करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। पिछले में एक पेनल्टी गोल था, आप उसको क्यों गिन रहे हो? अगर पेनल्टी ना आती तो इस बंदे के पॉइंट अराउंड 80 के आसपास होते या 90 के आसपास होते। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि इतना भी ज़्यादा मत करो, क्योंकि सेलेट्रोस एक नॉर्मल प्लेयर है, वाइस कैप्टन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली कैप्टन के बारे में सोच रहे हो देन यू आर रॉन्ग। मैं तो कहूँगा रिस्क लेना चाहिए आपको किसी और प्लेयर पर। और लिंसेथ की बात करें, इस प्लेयर को मैं ले तो रहा हूँ, सोच रहा था मेगराट को लूँगा, लेकिन जल्दी सब्स्टिट्यूशन के कारण और हाई क्रेडिट्स के कारण मैं इस प्लेयर को नहीं ले रहा। हाई क्रेडिट की तो चलो बात ही नहीं है, क्रेडिट तो मेंटेन है, असल बात यह कि मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है इसको लेने का। एंड सॉल्टनेस की बात करें, देयर वॉज वन प्लेयर सॉल्टनेस, दूसरा प्लेयर यहाँ पर आता है उसका नाम है हुगो वेल्टेंसन, एक ई हैगन है, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा और नीचे से और भी कुछ प्लेयर्स हैं जो अगर खेले तो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी तो इन तीनों के बारे में अगर बात करें तो वेटलसन को ड्रॉप करना कोई डर की बात नहीं है, सॉल्टनेस को ड्रॉप करना वो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि सॉल्टनेस सबसे बढ़िया इनका मिडफील्डर है। और बात आती है हैगन पे, अब हैगन क्या है, कंसिस्टेंसी वाला प्लेयर नहीं है, ये ऐसा बंदा है कभी तो इतना चल जाएगा आप हैरानी हो जाओगे क्या कर दिया बंदे ने, और कई बार टीम में लिया होगा और आप पछता दोगे कि मैं क्यों ले रहा हूँ, जैसे पिछले मैच में हुआ। इसलिए हैगन को लेना ना लेना डिपेंड करता है आप पे, और अगर आप लेना चाहते हैं तो आप एक प्लेयर के बदले ले सकते हैं जो कि लिंडसेथ के बदले आप हैगन ले सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, मेरे हिसाब से कोई मुश्किल आनी नहीं चाहिए, अगर आप ये करना चाहें कर सकते हैं। आगे से बात करें पेलेग्रिनी की, तो पेलेग्रिनी पिछले मैच के अंदर एक लीग हो रही थी नॉर्वेजियन लीग की जगह दूसरी लीग, जिसके अंदर ये 46 मिनट में सब्स्टिट्यूट हो गया और उस वक्त मेरा कैप्टन था, तो मेरे को बड़ा दुख हुआ था कि पेलेग्रिनी पे भरोसा किया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, पिछले मैच में हुआ सो हुआ, आप आज देखो पिछला छोड़ दो। एंड जी मॉलिन्स की बात करें, मॉलिन्स इज़ अ ग्रेट ऑप्शन फॉर द कैप्टन अगर आप एसबीजी को फेवर कर रहे हो, लेकिन मैं नहीं कर रहा तो मैं तो नहीं रखूँगा। एंड टी हिंट्स को मैं नहीं ले पाया वोट, मेरे को ये भी है कि तो ऑब्वियस हिंट्स छूट गया, तो अब क्या बड़ा कन्फ्यूज़ हूँ यार कि हिंट्स को लूँ या मॉलिन्स को लूँ, बड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, मतलब एक तरफ सोच रहा हूँ कि मॉलिन्स बहुत बढ़िया ऑप्शन है, दूसरी तरफ जब मैं हिंट्स को देखता हूँ तो मन में आता है यार ये 2-3 गोल ही ना कर जाए, क्योंकि है तो ये पूरा का पूरा खतरनाक प्लेयर, ये आज तक किसी टीम से नहीं डरा, ये ऐसे खेलता है फुर्तीलों की तरह डर आ रहा है। अब आप देख लो, अगर देखो रिस्क नहीं लेना देन मॉलिन्स बढ़िया है, लेकिन अगर रिस्क लेना चाहते हो मेरी तरह
तो टी हिंट्स बढ़िया है, मैं तो हिंट्स के साथ जाऊंगा, आपने सेफ जाना तो मॉलिंस बढ़िया है, ठीक है देख लो। और आगे से बात करें विक्टर की, विक्टर पिछले मैच में 3 गोल एक ही मैच में, वो मैच हुआ था अभी कुछ ही दिन पहले, 3 गोल एक मैच में, क्या हैट्रिक की थी इस बंदे ने। जबकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि सब्स्टिट्यूशन के बाद, ये सब्स्टिट्यूट हो गया था जल्दी, तो इसने 3 गोल कर दिए, मान गए भाई इसको। हम बात करें कैप्टन की, कैप्टन है पेलेग्रिनी, वाइस कैप्टन है बोनिफ्रिक, तो अगर आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं, सेलेट्रोस बढ़िया बंदा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।